तो कैसे आप लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं इसका रीज़न ये हो कि आप लोग का एट्रीब्यूट एरर आया होगा और आज आप लोग का मैं या तो एट्रीब्यूट एरर सॉल्व करूंगा नहीं तो आप लोग के सारे पैसे वापस लेट्स रोल द इंट्रो तो कैसे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने अपना पाइचॉम खोल लिया है कि यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट बनाया है और जो एरर अभी आ रहा है आप लोग का उसको मैं अभी देखिए सिमुलेट करूँगा मैं यहाँ पर क्या करता हूँ इसको बनाता हूँ एरर वन डॉट फाइव या फिर एक काम करता हूँ एट्री पीड की स्पेलिंग गलत लिख के बनाता हूँ ताकि कुछ इशू ना हो जाए कभी हम अपना प्रोग्राम का नाम जो है यूनिक रखना चाहिए किसी मॉड्यूल से वो क्लैश नहीं करना चाहिए वरना जो है दूसरा एरर आ सकता है अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा एक काम करता हूँ इम्पोर्ट फ्लास्क लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट फ्लास्क डॉट हैरी अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करके आप लोग को दिखाऊँ तो आप लोग देखिए यहाँ पर क्या एरर आ रहा है तब हो कुछ ऐसा रहा है कि आप लोग देखिए ये कह रहा है एट्रीब्यूट एरर मॉड्यूल फ्लास्क नो एट्रीब्यूट हैरी तो समझने की कोशिश करते हैं कि एरर आया क्यों आप लोग का भी इस तरह का एरर आ रहा है अभी एरर क्यों आता है प्राइमरी रीज़न जो बिल्कुल बेसिक रीजन है इस एरर को आने का वो ये है कि फ़्लास्क में ये हैरी नाम का मॉड्यूल डिफाइन नहीं है यानी कि फ्लास्क जिसने मॉड्यूल लिखा है उसने इस तरह का ना कोई फंक्शन बनाया है और ना ही कोई एट्रीब्यूट बनाया है तो आप लोग को एरर तो मिलना ही मिलना है अब लेकिन कभी कभी क्या होता है आपको लगता है कि आप लोग सही कोड लिख रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि आप लोग का एरर आता है तो होता क्या है कि जब पाइथन टू से पाइथन थ्री में अपग्रेड होता है कोई पैकेज किसी पैकेज जो कि ऑलरेडी पाइथन टू में लिखा हुआ था अब उस पैकेज का पाइथन थ्री वर्जन आता है तब क्या होता है तब होता कुछ ऐसा है कि वो जो फंक्शंस उसमें लिखे हुए हैं उसमें जो फंक्शंस डिफाइंड हैं वो क्या करते हैं कि चेंज कर देते हैं अगर मान लीजिए ऐसे मान लीजिए एस के लर्न का पैकेज है मान लीजिए कुछ ऐसे उन्होंने लिखा हुआ है एस के लर्न डॉट इन सैम्बल डॉट रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर अब मान लीजिए उनको लगता है कि यार एस के लर्न डॉ इन सैम्बल में नहीं डालना चाहिए रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर एक काम करते हैं एस के लर्न डॉट मैजिक क्या कहते हैं कुछ भी मैजिक मैथड्स में डाल देते हैं तो वो अपने जो अपडेटेड वर्जन है उसमें लिखेंगे एस के लर्न डॉट मैजिक मैथड्स डॉट रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफाई लेकिन आप लोग क्या है उनके पुराने वर्जन के हिसाब से ट्राई कर रहे हैं तो आप लोग कोशिश करें ये देखें कि कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है जिस भी चीज़ को आप फॉलो कर अगर आप किसी ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हैं तो वहां पर आप लोग देखें कौन सा वर्जन यूज हो रहा है और अगर उसका कोई नया वर्जन है तो वर्जन अपडेट करने की कोशिश करें वरना जैसे मान लीजिए कोई भी फंक्शन है आ, कोई भी मॉड्यूल है वो आपका इंस्टॉल्ड है तो आप लोग उसकी जो आ, उसका जो वर्जन है उसको डाउनग्रेड करके भी देख सकते हैं डाउनग्रेड करना भी कभी कभी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है तो यहाँ पर क्या है कि जब भी आप यहाँ पर अगर पाईजाम के अंदर है अगर आप लोग फ्लास डॉट एच लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर आ रहा है जो जो फंक्शन है वो आ रहे हैं जो जो मैथड इसमें डिफाइन है वो आ रहे हैं अब मैं इसको रन करूंगा अगर तो ये कह रहा है कि फॉल्स ये एक मेथड है फ्लास्क में हैज़ एप कॉन्टेक्स्ट अगर आप लोग पाइचाम की मदद से देखना चाहते हैं कि आ, क्या क्या मॉड्यूल डिफाइन है क्या क्या इसके अंदर फंक्शंस हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं कंट्रोल दबाकर क्लिक कर सकते हैं फ्लास्क पर देखिए फ्लास्क का एन डॉट यू खुल गया मैं आप लोग को एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा वर्जन आप लोग कोई भी चीज़ यहाँ पर जो अपडेट ना करें इस फाइल में कभी अपडेट ना करें कुछ लोग को लगता है कि ये वर्जन वाला वेरिएबल चेंज करके उनका वर्ज़न अपग्रेड हो जाएगा उनके लिए हा 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 ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये जो फ़ाइल है ये आपके साइड पैकेजेस में से आ रही है आप लोग देखिए ऊपर लिप साइड पैकेजेस लास्ट के नीट डॉट बाई अगर आप लोगों ने यहाँ पर गड़बड़ करी तो आपका जो प्रोग्राम है वो अच्छे से काम करना बंद कर सकता है तो ये मैंने सोचा कि आप लोग को बता दूँ आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए और अब क्या है कि अगर आप लोग का ये एरर आ रहा है तो आप लोग को मैंने स्टेप्स तो बता दिए क्या क्या आपको फॉलो करनी चाहिए पहला स्टेप आप लोग को जो फॉलो करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि आप लोग चेक करें कि पाइथन टू या पाइथन थ्री में आ, अगर आपका वो मॉड्यूल जो है अपडेट हो गया है तो आप लोग उसको अपडेट करके देखें आप लोग डाउनग्रेड करके देखें अपना पाइथन वर्जन अपडेट करके देखें कि अगर आप लोग कोई मॉड्यूल मान लीजिए पाइथन टू का है उसको पाइथन थ्री में आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन 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 सा वर्जन मॉड्यूल का है तो इसके लिए मैंने और वीडियोस भी अपने चैनल पर बनाए हुए अगर आप लोग कोई वीडियो पसंद आया हो अगर आप लोग को समझ में आ गया हो अब मैं एक्जैक्टली exactly एक, -एक इंसान का तो एरर सॉल्व नहीं कर सकता कि किसी को एक एरर किसी पैकेज में आ रहा हो किसी को किसी और पैकेज में आ रहा होगा लेकिन मेरा यहाँ पर मकसद यही था कि मैं आप लोग को बता दूँ कि ये एरर क्यों आ रहा है तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया आएगा एरर क्यों आ रहा है आ, और आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा अगर आप लोगों को इस चैनल पर मैं जो है पाइथन वगैरह बहुत चीज़ें सिखाता हूँ अगर आप लोग इंटरेस्टेड है मेरे चैनल में तो आप लोग जो है यहाँ पर मेरे चैनल को खोल सकते हैं और वीडियोज़ में जाकर जो है आप लोग वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई हुई हैं अलग अलग तरह की मैंने सीरीज़ बनाई हुई है अगर आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएँ तो आप लोग देखेंगे वहाँ पर मैंने बहुत सारी सीरीज़ बनाई हुई है कोडिंग डिस्कशन की पूरी सीरीज इसमें फेस कैम वीडियोज़ बनाता हूँ यहाँ पर पाइथन डेटा साइंस है यहाँ पर वेब डेवलपमेंट यूजिंग पाइथन है इंटरमीडिएट पाइथन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन है लर्न पाइथन इन वन वीडियो है जनरल एरर जिसमें कि ये वीडियो जाने वाला है वो अभी एक पूरी प्ले लिस्ट है कौन कौन से एरर जो है आ सकते हैं गेटअप के बारे में बताया हुआ है तो आप लोग जाकर एक बार जरूर से चेक करें और आप लोग का जरूर से फायदा होगा सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम